अस्सलामुअलैकुम। रोज न्यूज के साथ मैं हूँ मदीहा निसार। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, कोटली, अटक, मर्दान और मियांवाली समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। दर्जे हरारत में कमी, ठंड बढ़ गई। बारिश का सिलसिला आइंदा दो रोज तक जारी रहने का इम्कान। चौधरी बरादरान मौलाना को राम करने में मसरूफ, 24 घंटों में दूसरी मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान के वफ के हमरा चौधरी शुजात हुसैन के घर आमद। आजादी मार्च के हवाले से तबादला ख्याल, मौलाना को वज़ीर आज़म का पैगाम पहुंचा दिया गया। परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मामले का जल्द हल निकल आएगा। मौलाना फजलुर रहमान बोले, मुज़ाकरात से इनकार ही नहीं, मुतालबात को संजीदगी से लिया जाए। वज़ीर आज़म फौरी इस्तीफा दें और नए इंतखाबात का ऐलान करें। नवाज शरीफ को आज शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल किए जाने का इम्कान। मरियम नवाज के रोबकार जारी न होने पर साबिक वज़ीर आज़म को एक रात मजीद सर्विसेज अस्पताल रुकना पड़ा। प्लेटलेट्स में कमी फिर 30,000 पर आ गए। मेडिकल टीम ने जेनेटिक टेस्ट तजवीज कर दिया। नवाज शरीफ का मुकम्मल इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, कुछ टेस्ट बैरून मुल्क ही हो सकते हैं, डॉक्टर महमूद अयास। झपटना पलटना पलटकर झपटना, पाक फजाइया फायर पावर के मुजाहरे के लिए तैयार। लड़ाका तैयारे आज सोनमियानी रेंज में अपनी सलाहियत, महारत और ताकत का मुजाहरा करेंगे। सानिहा तेजगाम जांबहक, 59 अफराद में से 42 की डीएनए रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट की रोशनी में वर्षा को मैयतों की हवालगी आज शुरू होगी। मजीद 17 अफराद के डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आज आने का इम्कान। सरगोधा में तहरे कत्ल के मुजरिम को डिस्ट्रिक्ट जेल में तख्तादार पर लटका दिया गया। अमजद अली ने 2005 में खातून समेत 3 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया था। चुप ताजिए के जुलूस कराची समेत सिंध भर में एक रोज के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। जुलूस के रूट पर मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रहेगी। इराक में हुकूमत मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस और मुजाहरीन में झड़पें, फायरिंग से मजीद 13 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। एक माह में हलाक अफराद की तादाद 260 से तजावज कर गई। और यमनी हुकूमत का अलहदगी पसंदों से मुआहदा तय पा गया। इत्तेहादियों की आपसी लड़ाई खत्म होने का इम्कान। दारुल हुकूमत अदन का कंट्रोल, 7 रोज में यमनी हुकूमत को वापस मिल जाएगा। जुनूबी और शुमाली यमन को हुकूमती ऐवानों में यकसा नुमाइंदगी हासिल होगी। मुआहदा अरब इतिहाद के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए अहम करार।